खुद वो खुद आया कोई लाके छोड़े? खुद वो खुद आया। मरे वाला है क्या जिन्नात की नस्ल से? मरे वाला है। हाँ मरे वाला है। औरत है आदमी है? आदमी है। हिंदू है मुसलमान है? दोनों है। हाँ दोनों भी हो। कैसा दोनों है? काट दूंगा। पंखे की स्पीड कम कर रहे हो कुकर से। हाँ बोल जल्दी। एक हिंदू है एक मुस्लिम है। अच्छा दो लगे वाले है। काय के वास्ते लगे छुकरे को? झाड़ पे आया था मेरे। क्या तेरे झाड़ पे आया? क्या करा के वहाँ? खेत में काम कर रहा था ये। हाँ फिर? तो ट्रैक्टर से झाड़ तोड़ डाला मेरे इसने। तेरा झाड़ तोड़ दिया? वहाँ झाड़ के नीचे क्या था तेरे? वहाँ पे मैंने मरियाल था वहाँ पे। अच्छा वहाँ मरियाला था तू? फांसी लेके मारा था? खुद ब खुद मारा था? फांसी लिया था और एक खदान में गिर के मारा था। अच्छा दो है तुम हिंदू और मुसलमान, एक फांसी लेके मारा गिर के मारा। काय का झाड़ था वो? आंवला। काय का था? आंवले का। अरे छोकरे ने क्यों तोड़ा झाड़ वो? ट्रैक्टर से तोड़ा इसने। हाँ ट्रैक्टर से तोड़ा इसने। अच्छा तू इसको क्या तकलीफ दे रहा था? मार देने वाला था? हाँ कब मारने वाला है? मास में पूनम में? नहीं अभी नहीं बताऊंगा। नहीं वो मैं तेरे को कुछ नहीं कर रहा, इज्जत से पूछ रहा हूँ, जला दूंगा नहीं तो नाला। ठीक है। हाँ जल्दी बता। नहीं मारूंगा। कैसा मारने वाला था वो पूछा मैं तुझे, इसको तू कैसा मार रहा था छोकरे को? क्या नाम है इसका? ठीक है सर। असलम। असलम को कैसा मारने वाला है? खदान मिल जाएगा। क्या करके? डुबा के। जोर से बोल। डुबा के। अच्छा खदान में डुबा के मार देना था। तुम दोनों मिल के ऐसा मारने वाले क्या? सही बोल रहा तू? लगे वाला क्या कोई लाके लगाए? लगे वाला हूँ। अच्छा अभी तक कितने लोगों को मारा? अभी तक एक को भी नहीं, पहला है। अच्छा औलिक झाड़ के नीचे खजाना पिजाना है क्या? हाँ खजाना है। खजाना है क्या? खजाना हाँ। हाँ है। क्या है? भांडा है। क्या है? भांडा। कितने फीट पे है? 50। सही बोल। सही बता रहा। सही बोल। सही बता रहा। कितने साल पुराना है रखियाला? 100 साल पुराना है। कितना खोदना पड़ता? 50 फीट खोदना पड़ेगा। अब क्या करना? तेरे हाथा वाता काट के ले लूं? अब छोकरे को क्या तकलीफ दे रहा था तू? ये क्या नाम है इसका? असलम। असलम को क्या तकलीफ दे रहा था? उसको रहने नहीं दूंगा घर। घर में रहने नहीं देता। हाँ और क्या क्या करता था? उसको मैं कुछ काम नहीं करने देता था। हाँ और बाहर भटकता था। हाँ बाहर भटकता था। पंखे की स्पीड कम कर बोला धमकी को। और बाहर भटकता था। और शराब पीने के लिए रहा। हाँ और नशा भी करने लगाता था। थोड़ा एक घर में लड़ाई भी लगाता था। पैसा भी खत्म कर दिया था उस घर से। अच्छा घर से कितने लोगों को मारने वाला था उसके? दो जनों को। जबान से बोल। दो भाई को। कौन कौन से? बड़ा छोटा। कैसा मारने वाला था? छुरे से। हाँ छुरे से। कैसे? छुरा। छुरा चला के। और एक बात बोल मुझे, चल ठीक है उसके दो भाइयों को मारने वाला था तू, छुरे से मारने वाला था, क्यों दूसरे भाई को क्यों मारने वाला था? दूसरे भाई की क्या दुश्मनी थी? उन्होंने वही किया था मेरे साथ। क्या किए थे? मुझे बाहर निकालना सोची थी। अच्छा खजाना निकाल रहे थे? हाँ मुझे इसके आंग में वाले निकाल रहे थे। अच्छा इसके आंग में से निकाल रहे थे बोल के दुश्मनी पकड़ा? कहाँ ले जाके निकाल रहे थे? छोटे छोटे इलाज वालों के पास में से? सर पे ही कर रहे थे। खुद दुआ पानी कर रहे थे उन्होंने बोल के तू चिड़का? ऐसा रहता खुद दुआ पानी नहीं करना, खुद दुआ पानी करे तुम्हारे पे बलाएं हैवी हो हावी हो जाते और कहीं पे भी जकड़ के घेर के मार देते हो, हलाक कर देते। ये बात रही थी क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह का निजाम नहीं रहता, तुम्हारे पास खुद की सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारे पास खुद की हिफाजत नहीं है, तो तुम कैसा छेड़ सकते? हाँ और ये इनको खत्म करना है, ये बलाओं को करने के वास्ते बहुत बड़े उस्ताद के पास जाना पड़ता है जिसका अल्लाह ने हजारों से फौज दिया दी, वो फौज उसको जकड़ के मार के खत्म कर दी। तुम्हारे पास की बात थोड़ी रहती, जबड़ा उसको ना लाया कुत्ते एक साथ में। और दूसरी बात मुझे ये बता, तू मरा था फांसी लेके तो क्यों मरा था? वजह? शादी नहीं किए थे। हाँ शादी नहीं किए। कितने साल पहले मरा था? 15 साल पहले। क्या नाम था तेरा मरते टाइम पे? अब्दुल। हाँ अब्दुल। कौन से एरिया में रहता था? बावलगांव। हाँ बावलगांव। अच्छा बावलगांव कहाँ था रे सोर? उमरी के पास। झाड़ कहाँ का तोड़े थे तुमने? मुझे लंबा वहाँ। वो दूसरा क्यों मारा था गिर के? दूसरा जो मारा था झाड़ पे से गिर के तो कैसा मारा था वो? खदान में डुबके मारा था। अच्छा उन्हें भी वहाँ जाके बैठ रहा था झाड़ करने? ठीक है। दूसरी बात तेरी शादी नहीं कराने की वजह क्या थी वो लोगों ने जो तुम्हारा? तो बाप नहीं चाहता था कराना। क्यों नहीं चाहता था वजह?
खेत में काम लगाता था। अच्छा, खेत किसका, खुद का था क्या, बाप का थे? कितने कर? दस। भाई भाई कितने थे देखो, और एक क्या नाम है उसका, सुल्तान है, हो गई उसकी शादी, हो तेरे से सुसाइड करके नहीं मरना था ना तूने, गलत है ना ऐसा मरना, बहुत गलत बात है, बहुत गलत। देखा ना आप कैसा फिरना पड़ता भट भट, कैसा आलम हो जाता तो सबर कर लेता था अल्लाह के नाम पे, तो तेरा बाप खुद कराता था ना शादी। बहुत सबर किया था। कौन सी थी लड़की पसंद आई थी क्या किसकी? हाँ। क्या बोला था तेरा बाप? नहीं कराऊंगा। क्यों, वजह? दहेज की थी। अच्छा, गांव में झगड़े हो जाते थे ना फिर, तो गैर की करता था तो। हाँ, तो उसलिए नहीं किया था ना उसने। तो मुसलमान की पसंद करना था ना? नहीं थी ना, दूसरे गांव की करना था। जो पसंद है वो तो नहीं किया था ना उसने। गलत है ना सब मर के बटा करवाना दिल दिल। वो बोल रहा है कोई झाड़ पे, इधर से आ रहे कैमरे वाले, वो कुछ तो भी अब्दुल्ला कुछ नाम था, उन्हें झाड़ पर फंदा डालकर मारा, उसकी जबानी उन्हें से बयान कर रहा है, और उसकी शादी नहीं कराई थी इसलिए मर गया उन्हें, और मर के वो झाड़ का नहीं चढ़ाता था। ये लड़के ने ट्रैक्टर से कैसे तोड़ा था रे छोकरे ने झाड़? ट्रैक्टर से तोड़ा। ये असलम ने ट्रैक्टर ले जाकर झाड़ तोड़ दिया बोलते, तो वो झाड़ तोड़ने के चिड़के उन्हें इसको लग गया, और लग के इसको भी मार देने वाला था, ऐसा इन्हें बयान कर रहा। मैं तो मेरी जबानी कुछ नहीं बयान कर रहा, पूछा रहा हूँ तुम्हारा क्या बोला उन्हें, तो तुम सुन लो आगे। और उन्होंने ये भी बोला कि उसके भैया उस पर दुआ पानी कर रहे थे या जो भी पढ़ के दे रहे थे, तो उसके भाइयों को भी उन्हें कत्ल कर देने वाला था छुरी से, कैसे तो भी मार के। ये वो बला को बयान कर रही, हर इलाज वाले ने एक सहन नशीन कर लेना बात कि बलाओं को शयातीनों को तुम नहीं छेड़ना, तुम्हार को इख्तियारात नहीं दिया अल्लाह ने बला और शैतान और जिन्नात को छेड़ने के, तुमको सिर्फ हर इलाज वाले को बोल रहा हूँ मैं, हर इलाज वाले को, कुतुब अब्दाल औलिया अल्लाह ये जो है इनको इख्तियारात दिया अल्लाह ने, खुतुबों में ठहरा वाले वलिया हैं अब्दाला हैं, इनके हाथ से निजाम चला था अल्लाह, क्योंकि वलियों पे खुतुबों पे अब्दाल पे जिन्ना शैतान हमला नहीं कर सकता, कि जिन्ना शैतान की कोई औकात नहीं उनके सामने, हजारों करोड़ों से फौजें दिया करती अल्लाह ने, उनको सारा निजाम हाथ में दिया था अल्लाह ने, तो उनके पास तुम जाएंगे तो ये बड़ी ताकतें वाले शख्स ही निकाल सकते, ये छोटे मोटे लोग अगर छेड़ेंगे तो तुम पे फिर यकीनन हमले करके तुमको जहमत देंगे, तुम्हारे बच्चों को जहमत देंगे, तुम्हारे घर में जहमत देंगे, इसलिए बेहतर है कि मत छेड़ा करो, जो जानकार है उसके पास मिलाओ, जिसको अल्लाह ने गद्दी दिया ला उसके पास मिलाओ, नहीं समझ सक रहे मेरे पास रिफर करो, मेरे पास नहीं कर सकते तो और कोई दरगाह वाले बुजुर्ग आने दिन के पास रिफर करो, कहीं भी रिफर करो, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ तुम्हारे सामने हूँ, मैं कर रिफर कराओ, मगर एक बात याद रखो, खुद मत छेड़ो, खुद छेड़ेंगे तो तुमको बहुत ज्यादा जहमत दे देंगे, क्योंकि तुम्हारी रूहानी ताकत उतनी पावरफुल नहीं रहती, तुम्हारे जिक्र अस्कार की ताकत नहीं है, तुम्हारे कहीं फौज नहीं है, तुम्हारी जबान अल्लाह से कनेक्टेड नहीं है, तुम कैसा, इसलिए बेहतर है कि इबादत के रस्सी को मजबूती से थामो और जाहिली मत करो, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, मेरे सामने आए तो मेरे सामने बहुत अदब का मकाम है, इतना अदब का मकाम है कि सबसे पहले तो तुम खुद देख लो कि अल्लाह ने क्या रुतबात और क्या बुलंदियां अता करे वाले है, तुमको खुद पता चल जाएंगे। दूसरा अदब का मकाम तुम पर वाजिबरी फर्ज है, क्यों? क्योंकि आले रसूल और औलाद अली रजी अल्लाह तआला के औलादों पर, औलादों का एहतराम करना तुम पर फर्ज के मुकाबले फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए, मेरे बाद मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो, हदीस और कुरान को, और नहीं तो मेरे औलादों की रस्सी को मजबूती से थाम लो, जी मेरी आल की भी रस्सी अगर तुमको मिल गई तो उसको मजबूती से थामो, और वो नहीं मिली और हदीस कुरान मिल गया तो उसको वो रस्सी को मजबूती से थामो, क्योंकि दोनों रस्सियां भी वही चाहे, हदीस और कुरान को भी तुम पढ़ेंगे तो आले रसूल का एहतराम अदब तुम पे फर्ज है, और दूसरी बात तुम अगर आले रसूल के पास जाकर उनके रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो उन्होंने भी तुम्हारा अल्लाह रसूल हदीस कुरान के पटरी पर ले जाएंगे, वही राह पर चलेंगे तुम्हारा सिरातुल मुस्तकीम की राह पर। इसलिए बेहतर है कि अदब का मकाम रखो, जो बा अदब है वो बा नसीब है, जो बद अदब है वो बद नसीब हो जाएगा, तुम्हारी तकदीर जल जाती, तुम खुद भीग लग जाती अगर बेअदबी करेंगे तुम अल्लाह वालों के सामने, बुजुर्गान दीन के कुछ फर्क नहीं पड़ता, बुजुर्गान दीन के आंख पे थूक दो तुम, उन्हें थूकने के बाद भी पूछ देते हैं कुछ नहीं बोलते तुम, अल्लाह माफ कर जाए, और मगर वो थूक का बदला कौन लेता, वो थूक वो जलील करे आला या अगर कुछ भी बोले आला रहेगा तुम, एक लफ्ज भी बद पीछे भी अगर तुम बोलेंगे तो तुम्हारी जबानों में क्या आंसर दे देता अल्लाह, और फरमाता कि मैं उनका वारिस हूँ, औलिया अल्लाह का वारिस मैं हूँ अल्लाह फरमाता, और मैं तुमसे बदला लूंगा, और फरमाता कुरान हदीस खुद्दूसी में भी पढ़ लो कि तुम वलियों को अगर बुरा बोलते तो जंग का ऐलान अल्लाह तुम्हारे साथ करता, तुम खुली जंग का ऐलान करता अल्लाह, जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, तो क्यों अपने हाथों से अपनी खबर खोद रहे, खबर भी ऐसी खोद रहे कि आखिरत भी बर्बाद दुनिया भी बर्बाद वाली, बेहतर है इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, इस्लाम
अदब और तमीज का नाम है। सही का अदब और तमीज सिखाया वाला इस्लाम के अंदर, बुजुर्गों का अदब, कुरान का अदब, अल्लाह रसूल का अदब, हर चीज तुम्हारा बताया हुआ ये। तो इसलिए अदब और एहतराम से रहो, दुनिया में जीने के तरीके सलीके कुरान और हदीस से सीखो तो तुम महफूज रहेंगे, नहीं तो तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी इबादतें सब तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारने लगा देंगे अल्लाह। तुम्हारी इबादतों की जरूरत नहीं है अल्लाह को, तुम्हारे झूठे दगलबाजी वाले सजदों की जरूरत नहीं है अल्लाह को। दिल है तुम्हारा सजदे में नहीं, खाली सर है तुम्हारा सजदे में, दिल तो दगलबाजी में लगे अल्लाह को, ऐसी इबादत अल्लाह को कबूल नहीं है। अल्लाह को ऐसी इबादत कबूल है कि दिल, दिमाग, रूह, हर चीज तुम्हारी सजदे में जाना तो वो सजदा कबूल करता रब्बुल आलमीन। सजदा कर रहे हैं, सजदे में सोच रहे मेरे नमाज़े का क्या होगा, मेरे पोतरी का क्या होगा, मेरे बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे औरत ने जैसा बोल दी, मेरे मर्द ने जैसा बोल, फलाना जैसा होगा, ये सजदा नहीं है। ये दुनिया की नफ्सी ख्वाहिशात में खो गए वाला सजदा है। ये सजदा करके भी कुछ मतलब नहीं है। सजदा ऐसा होना कि सर अगर सजदे में देगा तो दिल, दिमाग, रूह तक सजदे में चले जाना तुम्हारे, तो वो सजदा को बोलता वो अल्लाह को पसंद है सजदा, तो तुमने सजदा करे। नहीं तो ऐसे दगलबाजी वाले सजदे करके बुजुर्गों ने दिन को बुरा बोलेगा, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे सजदे फेंके मार दी जाएंगे, इबादतें मार दी जाएंगी, सब रद्द कर दिया जाएगा। पढ़ो तारीख हदीसें, मैं कोई कहानी किस्से नहीं सुना रहा हूँ, प्रैक्टिकल में भी बता रहा हूँ और सारे दास्तान बयान करके छोड़ते तुम झगड़ा क्या इस कुत्ते जी के साथ में। हराम मौत, इसलिए इस्लाम में सख्त मना कर दिया गया कि हराम मौत के नजदीक मत जाओ। अल्लाह ने सख्त, क्योंकि शहीद को मुर्दा मत कहो, शहीद जिंदा है, और हराम मौत के करीब मत जाओ, हराम मौत अल्लाह को पसंद नहीं है। दोनों भी अपने हाथ से खत्म होना है, शहादत का जाम पी लो अपने हाथ से, राह फी सबीलिल्लाह दुनिया व आखिरत सब बन गई, और हराम मौत का जाम पी लो अपने हाथ से, दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो गई। देखे ना, शहीद को जिंदा है, मुर्दा मत कहो, बोला इसलिए बेहतर है कि इबादत के रस्सी को मजबूती से थामो, तुम महफूज रहेंगे, तुम्हारी इबादत तुमको ढाल बन के बचेंगी, सुसाइड नहीं करने देंगी, कोई भला को तुम्हारे नजदीक नहीं आने देंगे, हर मामलों में महफूज रहेंगे। तो किसी का कुछ नहीं जाता, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी। चलो जब उसको अंदर से तेज साथ में चलो इसको बन के डालो, इसके ऊपर जंजीरें डाल दो, उसको तेज के साथ बन के डालो। आज रात 12 बजे के बाद से पहुंच को भी हुकुम दो, इसको और तेजी से बंधो, और उसको बाद में मार मार के चिंडिया करो, और बाद में कैद करके ले लो, उतारे के अंदर उसकी सारे शक्तियों को खत्म करो, उसको मेरे कैद में ले लो उसको। क्या असलम है, असलम पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तक रुक जरा, हाथों की शक्ति काट के ले लो पूरी तेज के साथ में, बोल इज्जत से, बोले था जा उसको, जा रहा जा रहा, जाता तो नहीं रे तू, तेरी पूरी तेरी शक्ति खत्म कराता हूँ अमल करा के। तोबा तोबा कर जल्दी, चल तोबा कर जल्दी, तोबा कर, दोनों हाथ काट दूंगा वो, उठा मुंह पे मार दोनों हाथ वो, बोल तोबा तोबा तोबा। चल जोर से बोल तोबा तोबा तोबा, जोर से चल भाग मेरे माइंड उस पे ने। कौन से अरे हम कैसे है ना, कौन से कौन का है ना, तो कौन से कौन शैतान लगा उसको, मुझे लंबा 10 किलोमीटर है 12 किलोमीटर। क्या नाम इसका, असलम है, असलम पानवी। बीस की शादी फिर कब कराने वाले, कराएंगे, कितने भाई हैं, चार, सबके हो गए, नहीं दो के, हाँ दो के हो गए,
क्या बारे कौन से आया? चल दस कैमरा लिखा मेरे सामने से। ये कौन है बाथरूम बटियाले? वही पीछे बटियाला। कितने भैया है? क्या नाम है सबके? अब्दुल। हाँ बबलू। हाँ बस। अरे कौन से कौन के? राजू राजू। अरे कैसे वो तो वो है झाड़ कहाँ पड़ा था? कौन से रूम में? ये लंबा 12 किलो। अभी यहाँ सवाल जवाब हो रहे तो कुछ याद ही करते वो क्या कुछ भी नहीं बताए। सब अलग अलग किस्म के रहते हैं। अब ये जो दास्तान थी ये दो है अलग अलग लगे वाले। एक पानी में उन्होंने बोला गिर के मरा था और एक सुसाइड करके मरा था। तो दोनों भी वहां जाके कौन से झाड़ का बैठ रहे थे? हो सकता हूँ कुछ भांडा वांडा कुछ जो भी होगा खजाना हो उसके ऊपर जाके बैठ गए रक्षक करते हुए। तो इन्हें वहाँ जाके झाड़ तोड़ा छेड़ा क्या करा पता नहीं इसको होने लग गया। उन्होंने बोला उसने फिर इसके भैया इसको दुआ पानी दे रहे थे। कौन कर रहा था दुआ पानी? क्या पढ़ रहे थे? उन्हें क्या पढ़ता? हाफिज। कब बना उन्हें हाफिज? 3 साल। कौन से मदरसे से? इन्हें तो बोलो। अच्छा तो बच्चा हाफिज है वो अभी नमाज पढ़ाता था अभी क्या नहीं क्या करता अभी ये पढ़ा है। तो वो बच्चा हाफिज है उसका भाई तो उन्हें उसको क्या हो रहा बोल के दुआ पानी दे रहे कर रहे थे। क्यों दे रहे थे दुआ पानी? हमने अभी सता रहा था। हाँ सता क्या बोल रहा था? आदमी उन्हें मार रहा था। जोर से बोल। आठ आदमी उन्हें मार रहा था। हाँ और सता रहा था चिल्ला रहा था घर में सता रहा था चिल्ला रहा था आठ आठ जनों को नहीं मान रहा था। और वो बला ने बोली उसको नशा भी करने लगा रहा था उसने है रिकॉर्डिंग में देख लो। तो ये जो भी दास्तान है नाम अपनी माँ बोला था किससे पहले क्या बोला था लेके हाँ सब बयान हुआ बहुत परेशान करा उन्होंने बहुत ज्यादा बोलते घर में सबको आठ आठ जनों को नहीं मान रहा था। दुआ पानी भया दे रहे थे हटा रहे थे हाफिज बच्चा हो तो उन पे हावी होने की कोशिश कर रहा था। उसका नलडा काट दूंगा छुरी लेके मार दूंगा कुछ कोई प्लान बना रहा हूँ अभी बोला देखो मैंने रिकॉर्डिंग में पूछा बोला है। इसलिए तुम्हारे को इख्तियार नहीं दिए वाले है तुम अपना अपना हिफाजत करो ठीक है दो दुआ पानी पढ़ो करो मगर फिर बाद में हिफाजत का जिक्र भी करो कोई तुमको अल्लाह के कुछ भी महफूज रहेंगे। अभी तारीख को एक हुआ था क्या वैसे ही कर रहा था जो आठ दस जन लोग नहीं मान रहा था वो रात का काम पे साया बात फिर काम चालू था वहाँ का फेल ही में सोया था नशा करके। वहाँ से आने के बाद उसको खाना खाने के लिए उठा रहा तो हटा दिया उन्होंने कूलर था कूलर को फेंक दिया एक बार वही देखा शोर से रहा था ऊपर। तो ये शरारत कर रहा था क्या कूलर ऑफ कर रहा था उठा के बच्चा बोल रहा वैसा खैर बाद में तो आई ना दास्तान की जूगी। तो ये तरीके से मुझे सब मालूम कौन क्या है कौन कहाँ से आके लगा जिन्नात क्या है चुड़ैल क्या है शैतान क्या है बदरू क्या है क्यों है कौन डाला कहाँ से आ रहे सब दास्तान बताती हूँ मगर मैं अपने मुझसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। मैं खुद नहीं बोलता मैं सामने वाली जबान ही पकड़ के पूछता हूँ और उसको उस तरीके से फिर जला के सुराख करा के अमल करा के पसंद कराता हूँ। मैं तुम्हारे घर पे आके तो अमल नहीं कर सकता हर वक्त मैं कुछ भेज के देना पड़ेगा ना तुम्हारे घरों पे तुम्हारे पास में कोई शक्ति हो वो आके फिर ये सब काम करते। मेरी ड्यूटी नहीं रहती कब्रस्तान में गड़े वाली चीज को निकाल के जलाना मेरी ड्यूटी नहीं रहती शमशान से निकाल के जलाना मेरे पास जो खाते जो जो मारते इनको पकड़ के जो जलाते जो तुम दिख रहे लायों में सब आलम जो तुम देख रहे हो तो उनका काम रहता है सब करना। जब तुम अमल करते तो वो आते ना आके बरोबर ही सब खत्म कराते भसम कराते ये सब बातें जहन नशीन करके लेना और मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनना उस हिसाब से अमल करना और अल्लाह के उनसे बरोबर फैज मिलता बरोबर यहाँ से राहत मिलती सब अल्लाह का इंतजाम चलता इंसान की बंदी की क्या मिसाल जो शैतान जिन्नातों से पंगे लेकर ये कर सके मगर अल्लाह ने खुतुब अब्दाल और ये भी तो रखा लेना बोले अल्लाह अब्दाल है खुतुब है उनको गद्दियाँ दिया इनकी ड्यूटी आएंगी सब तक लगामा कस के रखना। तो तुम इनका नहीं आओ इनको बोलो ये सब करते राइट तुम अपने दिल से नहीं कर सकते बहुत सारे। हाँ तुमको अगर कुछ करना है कुछ सीख रहे हो तो फिर जिक्र अस्कार की इजाजत लो उस हिसाब से जिक्र अस्कार करो उस हिसाब से फिर अपने आप में एक ताकत पैदा करो उनसे बातें रहते हैं बहुत सारे बहुत कुछ है बोलने के लिए अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। और मुसलमानों बेगैरतों शर्म करो तुम्हारे माशरे में कहाँ से आ गई ये चीजें कहाँ से आई ये चीजें मेरे को तक दावत दे रहे तुम लोग बेगैरत हो जन्मदिन की बर्थडे मना रहे आओ केक काटने अरे कहाँ ये इसको बिद्दत बोलते इसको बिद्दत बोलते कहाँ से लाए तुमने ये बिद्दत। हाँ इस्लाम के अंदर है केक काटे हदीस में है बताए तुम्हारे अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान के अंदर केक काटो जन्मदिन मनाओ हाँ तुम लाओ केक
और खुद काट के खाओ वो बात अलग है, वो खाना है, रिजा है, उसको मना नहीं कर रहे, मगर ये तुम केक पे मोमबत्ती लगा के दिक्कत कर रहे ना, ये गलत है। इससे क्या हुआ मालूम क्या, जन्मदिन मुबारक, उसका जन्मदिन आ रहा मुबारक, इसका जन्मदिन आ रहा मुबारक, बहू का जन्मदिन बर्थडे, ठीक है तुम आप लोग बोल रहे जन्मदिन मुबारक, ठीक है मगर तुम मनाओ मत, तुम कैसा मना सकते जन्मदिन, जन्मदिन का केक काटने का कहाँ हुक्म दिया था, तुम ये हरकतें कर रहे हो, इससे क्या होता मालूम तुम्हारे को क्या होता, तुम आज केक काटेंगे अगर ये बोल के क्या जन्मदिन है केक काटो, ये बिद्दत है इस्लाम के अंदर, 40 दिन तक तुम्हारी इबादतें रद्द कर देंगे, 40 दिन तक तुमको आजाब में घेर लिया जाएगा, 40 दिन तक तुम्हारे घर में नहुसती लग जाएंगी, नहुसती 40 दिन तक तुम्हारे घर में नहुसती लग जाएंगी, सही तरीके से जो रहमत और अजमत बरसती थी वो रोक दी जाएंगी रहमत अल्लाह की, क्योंकि वहां तो जन्मदिन का केक कटा ना, केक कटा तो कौन से शरीयत से तुमने फतवा लाया, केक काटने का जाओ फिर वो शरीयत वालों को बोलो तुम्हारे घर में रहमत बरसाओ, बरसाता क्या रहमत, पूरी दुनिया मिलके भी एक मक्खी का पर नहीं बना सकती, पूरी दुनिया मिलके भी एक मक्खी की टांग नहीं बना सकती, अल्लाह ने फरमा दिया ना बताना, जाओ कह दो उनसे पूरी दुनिया के बुत परस्ती वालों से, बुत परस्तों से, शैतान से, कि सब मिलकर मूंगी की टांग और मक्खी की टांग या मक्खी का पर बना के बता दे, नहीं बना सकते, कितनी भी तुम डुप्लीकेट बने तो ओरिजिनल रहता, जिंदा जिंदा रहता, जानदार जानदार है, बेजान बेजान है, तो इसलिए बेहतर है कि ये सब बातों पर अमल करो, ये तुम्हारे माशरे में से बातें घुस जाएंगे ना, तो किसका कुछ नहीं जाता, तुम नहुसतों में गिर जाएंगे, तुम्हारी इबादतें रद्द हो जाएंगे, तुम्हारे बनते काम बिगड़ जाएंगे, तुम रोडों पे आ जाएंगे, तुम्हारे कारोबारों में लॉस हो जाएंगे, तो तुम्हारे भीख लग जाएंगे, भीख लग जाएंगी रोडों पे आके भीख मांगे कर्जे में डूब के हलाक हो जाएंगे, ये हमारे में नहीं है, ये जन्मदिन मनाना, ये फला फला की चीजें मनाना, ये शिरकियत करना, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक, बोल के हट जाओ रास्तों से, अगर कोई आके तुम आप बोल रहा कि चल जन्मदिन मनाएंगे, चल पूजा पाठ बुध परस्तियां करेंगे, चल फलाने करेंगे, अरे अरे भाजाओ बोले अल्लाह है कि अल्लाह उसके रसूल की पनाह मांगो, अल्लाह रसूल अल्लाह के सबके तुफेल में अल्लाह से पनाह मांगो इस सब बातों की, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत कर, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत कर, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत कर, तकवे की हिफाजत कर, तुम अगर तकवा खो देंगे और ये सब बातें खो देंगे तो फिर मार भी पड़ेंगी तुम्हारे, यकीनन दुनिया तुम्हारे जलील करेंगी, मुट्ठी भर के लोग थे दुनिया पे राज करते थे मुसलमान, आज दुनिया भर के मुसलमान है और मुट्ठी भर के लोग उन पे राज कर रहे, क्यों कर रहे, तुमने अल्लाह रसूल की रस्सी को मजबूती से नहीं थामे, अल्लाह ने बोल दिया ना मेरे रसूल की रस्सी को तुम अगर मजबूती से नहीं थामेंगे और छोड़ के फिर जाएंगे तो तुम्हारे जालिम जलीलो कद्र बादशाह मुसल्लत कर दूंगा, जालिम बादशाह काफिर का, जो तुम्हारे बूढ़ों पर भी रहम नहीं करेगा और बच्चों पे भी रहम नहीं करेगा, सही बात है ना, तुमने अपने हाथ उस कर लिए, देखो आज के मामला समझ में, इसलिए अल्लाह को राजी करो, रब को राजी करो, मेरा रब जिसे मैं राजी मैं उसमें राजी बोल के दुनिया मोमिन के लिए कायद खाना है, तो कायद खाने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिरयानी नहीं खाएंगे हम उसको बिरयानी खिलाएंगे, तुम चिकन नहीं खाएंगे उसको चिकन खिलाएंगे, काफिर को काफिर चिकन खा रहा तो तुम दाल रोटी खाएंगे, नहीं ये नियामत है, ये अल्लाह ने दिया तुमको मोमिन के लिए कायद खाना इस वास्ते कि उन्हें जन्मदिन मना रहा तो हम नहीं मना सकते, क्योंकि हम मुसलमान है, हमारे नबी ने बोले इसलिए हमको, उन्हें नमाज नहीं पढ़ रहा हम नमाज पढ़ेंगे क्योंकि हमारे नबी ने बोला, हम छोड़ नहीं सकते नमाज, उन्हें शिर्क कर रहा बिद्दत कर रहा हम उसके साथ मिलकर शिर्क और बिद्दत नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नबी ने मना फरमाया, इसलिए मोमिन के वास्ते कायद खाना ये बातों के वजह से, तो ये बातों पर पाबंदी आए तुम पे, तो ये बातों पर अमल करो तो महफूज रहेंगे, मामा बहनों को बेटियों को जरा सिखाओ पर्दा करना, अगर बेटी पर्दा नहीं करती तो अब वो नजर कितनी बुरी रहती लोगों की, देख लो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेनमाजी की नजर अगर तुम्हारे घर में पड़ गई तो तुम्हारे घर की खैरों बरकत उड़ा दी जाती, खैरों बरकत उड़ जाती पूरे घर की, बेनमाजी अगर क्या बोलते तो जाते जाते रस्ते वाली वो ना हो टुकड़ा होगा ना, किसी की नजर मत पड़ने दो, किसी की भी नजर पड़ेंगी तो तुम बेनमाजी तो मुसलमाना तो है, तो अब सोचो जो बुध परस्ती वालों की नजर पड़ी तो फिर क्या होगा, तुम तो बुध परस्ती वालों पास इलाजों को जा रहे हैं, बेगैरत हो शर्म करो आजाब में घिर देंगे, और अल्लाह वाले और बुजुर्गाने दीन के पास आए तो बहुत अदब से आना पड़ता, बहुत अदब से, इतना अदब से कि बुजुर्गाने दीन का तुम पे जलाल तो कभी होता चले नाजिल हो, बता ही नहीं सकते खुद का जलाल तुमको, मगर जो रब्बुल आलमीन है ना उसको जलाल आ जाता, इतना खतरनाक आ जाता कि मेरे वलियों के पास आके मेरे वलियों के वास्ते दिल में खुद के बुग्ज़ रखता, ठीक है तेरे को बताता हूँ बोल के फिर अल्लाह बताता, और जो अदब से वलियों को मिलता है जो अदब से अल्लाह वालों को बुजुर्गान दीन का अदब करता कुरान में बहुत नारे तो मालूम होगा तुम आपको, तो तुम्हारी फिर नसीब भी अल्लाह लिखने लगा देता अच्छे, और तुम अगर जाके बेद भी आ तुम्हारे नसीबों को भी खराब करने लगा देता, पलक मारे तक तुम्हारी तकदीर हो दर दर की ठोकरें खाते फिरते, काफिर तुम तो मुसल्लत होकर तुमको जुलूम देना चालू कर देते, बहुत सारी बातें अल्लाह कहेंगे सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, क्या बोलूँ तुम आप जितना बोले उतना कम है, और
इलाज भी अपने मर्जी से नहीं होता, सब अल्लाह के हुक्म से होती, हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती, हाजिर भी अल्लाह के हुक्म से होता, खत्म भी अल्लाह के हुक्म से होता, और नहीं हाजिर भी अल्लाह के हुक्म से होता। क्यों? क्योंकि तुमको नहीं मालूम है सब रहा था। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे।